हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन को बनाना भी बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। कार्डिगन, लेडी जैकेट, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए, बहुत ही सुंदर बन के आएगा। रॉन्ग साइड पर ऐसे दिखता है। ये डिज़ाइन जो 16 रोज का डिज़ाइन है, इन्हीं 16 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 16 मल्टीपल में फंदा लेना है, प्लस 8 प्लस 2 करना होगा, मल्टीपल ऑफ 16 प्लस 8 प्लस 2। ये डिज़ाइन राइट साइड से स्टार्ट करना है। रो वन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। इस पे मैंने 16 मल्टीपल करके 16 प्लस 8 प्लस 2 कर लिया है, टोटल 26 कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बार रिपीट करके दिखाऊंगी। फर्स्ट रो राइट साइड, फर्स्ट रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा को आगे कीजिए, 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर धागा पीछे कीजिए, 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको ये रिपीट करना है बार बार, 8 फंदा उल्टा, 2 4 6 8, फिर 8 फंदा सीधा, 2 4 6 8। आपको ये रिपीट करना है। लास्ट में आपको 9 फंदा बचेगा। धागा आगे कीजिए, 8 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8। धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। फर्स्ट रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब सेकेंड रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। हर रॉन्ग साइड आपको उल्टा ही बुनना है। अब थर्ड रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागे को पीछे रखना है, 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। फिर अब इस 4 फंदा को एक फंदा बनाना है, सॉरी 4 फंदा को 4 फंदा ही बनाना है। इस तरह से 4 फंदा को एक साथ लेना है, इस तरह से 1, फिर यहाँ ऊपर 2, फिर इसी होल में नीला डालना है 3 3। फिर धागा आगे कीजिए, फिर उल्टा बुनेंगे। 4 फंदा में से 4 फंदा ही बनाया। फिर धागा पीछे कीजिए, फिर 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 4 फंदा सीधा, 2 4, फिर 4 फंदों में से 4 फंदा बनाया, फिर 8 फंदा उल्टा, 2 4 6 8। आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको 9 फंदा बचेगा। 4 फंदा सीधा, 1 2 3 4। अब इस 4 फंदा को 4 फंदा ही निकालना है, इस तरह से 1, यहाँ ऊपर 2, फिर इसी होल में नीला डालना है 3, फिर धागा आगे कीजिए, फिर उल्टा बुनेंगे। इस तरह से 4 फंदों में से 4 फंदा ही बनाया। फिर धागा पीछे कीजिए, 1 फंदा सीधा। थर्ड रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब फोर रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। जो हमने 4 फंदे में से 4 फंदा बनाया था, उस फंदा को भी उल्टा बुनेंगे।
फीत्र फीत्र एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर धागा आगे कीजिए आठ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर धागा पीछे कीजिए, फिर से चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, चार फंदा सीधा फिर आठ फंदा उल्टा चार फंदा सीधा, आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको नौ फंदा बचेगा, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर धागा आगे कीजिए चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, फिर धागा पीछे कीजिए एक फंदा सीधा। फिफ्थ रो भी बुन के कंप्लीट कर लो। आप सिक्स रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप सेवन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अभी चार फंदा ही बनाना है। एक, फिर यहाँ नंबर दो, फिर इसी होल में नीडल डालना है, तीन, फिर धागा आगे कीजिए, फिर उल्टा बुनेंगे। चार फंदों में से चार फंदा ही बनाया, फिर धागा पीछे कीजिए चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर चार फंदों में से चार फंदा बनाया, चार फंदा सीधा, आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको नौ फंदा बचेगा, नौ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, सेवन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप एट रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप नाइन रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, आठ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फिर धागा आगे कीजिए आठ फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, आठ फंदा सीधा, दो चार छः आठ, फिर आठ फंदा उल्टा, दो चार छः आठ, आपको रिपीट करना है। लास्ट में आपको नौ फंदा बचेगा, धागा पीछे कीजिए, लास्ट का नौ फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नाइन रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप टेन रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है।
आप 11 रो 11 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, 12 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इस 4 फंदा को 4 फंदा ही बनाना है इस तरह से। एक या नंबर दो, तीन धागा आगे कीजिए, फिर एक फार उल्टा बुनेंगे। 4 फंदा में से 4 फंदा ही बनाया। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 12 फंदा सीधा, 2 4 6 8 10 12, फिर 4 फंदों में से 4 फंदा ही निकाला। आपको रिपीट करना है, लास्ट में आपको 9 फंदा बचेगा। धागा पीछे कीजिए, लास्ट का 9 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 12 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 14 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा को आगे कीजिए, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे कीजिए, 8 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर धागा आगे कीजिए, फिर से 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 4 फंदा उल्टा, 8 फंदा सीधा, फिर 4 फंदा उल्टा। आपको रिपीट करना है, लास्ट में आपको 9 फंदा बचेगा, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, फिर धागा पीछे कीजिए, 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, 13 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब 14 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। आप 15 रो एक फंदा ऐसे स्लिप कीजिए। आप यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब इस 4 फंदा को 4 फंदा ही बनाना है इस तरह से। एक, फिर यहाँ नंबर दो, तीन, फिर धागा आगे कीजिए, फिर उल्टा। 4 फंदों में से 4 फंदा ही बनाया, फिर धागा पीछे कीजिए, 12 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक एक डिजाइन खत्म हुआ है। आपको रिपीट करना है बार बार, 4 फंदों में से 4 फंदा ही बनाया, फिर 12 फंदा सीधा। आपको रिपीट करना है, यहाँ से फिर वही रिपीट करना है। अब इस 4 फंदों में से 4 फंदा ही बनाना है इस तरह।
एक या नंबर दो, तीन, फिर धागा आगे कीजिए, फिर उल्टा, चार, चार फंदा में से चार फंदा बनाया, फिर धागा पीछे कीजिए, पांच फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, पांच, 15 रो भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। आप 16 रो पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए ये डिजाइन जो 16 रोज का है, इन्हीं 16 रोज आपको आगे आगे रिपीट करना है। आप यहाँ से फिर रो वन स्टार्ट करना है, देन रिपीट करके जाना है रो वन से रो 16 तक। जब ये बार बार रिपीट करेंगे तो ये डिजाइन ऐसा बन के आएगा। लास्ट में मेरी चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।